हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्किल। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि पार्ट 3 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोने धातु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर इज +1, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, गोंद। निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ क्या है? तो राइट आंसर इज फ्लोरीन F2। निम्नलिखित में से किसकी आकृति चतुष्फलकीय है? तो चतुष्फलकीय जो आकृति है वो PdCl4 का हॉल 2-। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान कितना होता है? तो इसके लिए होता है 0.693/K। फैराडे के विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स के समतुल्य भार के संबंध से संबंधित है। सिनेबार किसके कहा जाता है? तो HgS को सिनेबार कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है? तो परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन के योगफल के बराबर होता है। बिना बुझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया कैसी होती है? तो राइट आंसर इज ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? तो डी ऑर्बिटल का आकार डबल डम्बेल होता है। कपड़ा धोने का सोडा को क्या कहा जाता है? तो Na2CO3.10H2O, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3.10H2O। क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ns2 होता है। बुझा हुआ चूना का फार्मूला क्या है? तो बुझा हुआ चूना का फार्मूला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CaOH2। फिर है, बाह्यतम विन्यास 3D6 4S2 है, इनमें से किसका है? तो आपको पता होना चाहिए इनमें से कोई नहीं है, NO2 मतलब कि इनमें से कोई नहीं है। कैल्शियम का भी नहीं होता है, जिंक का भी नहीं होता है, मैग्नीशियम का, कॉपर का भी नहीं होता है। ये चारों ऑप्शन चूंकि गलत दे दिया है इसलिए ये जो है ना मिसप्रिंट हो गया है ऐसा। तो इसमें से चारों कोई नहीं होगा, 3D6 4S2 ऐसा इसमें से कोई नहीं है। बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम टेट्राबोरेट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोरोन विकर्ण संबंधित दर्शाता है किससे? तो बोरोन जो है विकर्ण दर्शाता है सिलिकॉन से, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है? तो ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक ग्रेफाइट है इसमें से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत किसमें अधिकतम होता है? तो ग्रेफाइट में, कार्बन का अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट, तो सबसे ज्यादा ग्रेफाइट में पाया जाता है। नेक्स्ट है, हीरे में कार्बन का संकरण क्या है? तो हीरे में कार्बन का संकरण sp3, ऑप्शन नंबर ए सही है। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, कार्बनिक यौगिक में कार्बन इंपोर्टेंट है, उपस्थित होना चाहिए, तो बी नंबर सही है। श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा किस में होता है? तो सबसे ज्यादा कार्बन में होता है, इसीलिए तो एक चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है कौन सा? तो BF3, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देता है? तो एल्कीन जो है योगात्मक अभिक्रिया देता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। कार्बन कार्बन एकल बंधन की लंबाई कितना होता है? तो कार्बन कार्बन एकल बंधन की जो लंबाई होती है वो 1.54 एंगस्ट्रम होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। कार्बन का संयोजकता कितना होता है? तो कार्बन का संयोजकता 4 होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है? तो कार्बनिक ठोस की शुद्धता का जो लक्षण है वो उसका गलनांक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व जो आयोडीन है, समुद्र में पाया जाता है। CNG के में मुख्य रूप में क्या होता है? तो CNG के रूप में मुख्य गैस मीथेन भरा जाता है, याद रखिएगा, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस में मुख्य रूप से मीथेन भरा जाता है। तो थैंक यू इस वीडियोज को पूरा देखने के लिए।